أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रबी असर वला तो असर व तमिम बिलखैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है और इस टेक्स्ट में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया। फसजदू सजदू, अब आप गौर करें माजी और दो में से या बारह में से तो फाइल सात सजदू वाओ फाइल, उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे बुलाया और उसे पूछा कि मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतुक, अमरतु मैंने हुक्म दिया का तुझे, इज अमरतु का जब हुक्म दिया मैंने तुझे, जब मैंने हुक्म तुझे दिया तो तूने सजदा नहीं किया। उसमें उसने बात की थी जो हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं, काला अना खैरु मिनहु, एक जुमला इस्मिया अना खैरुन मिनहु, मैं इससे बेहतर हूँ, और फिर जुमला फेलिया खलकता नी मिन नारिन व खलकता हु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। बहरहाल अल्लाह ने उसे बाहर निकाल दिया वहाँ से। अब जाते हुए जो अल्लाह ताला को जो चैलेंज करके गया है, उस चैलेंज का जिक्र इन आयात में है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। अब उसने चैलेंज क्या किया, किन अल्फाज के साथ किया, ये इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे अपना फेल मुजारे का अगला, उस वक्त मैं इंशाल्लाह ताला इन आयात को आपके सामने मज़ीद वाज़े करूँगा। जहन में ताज़ा कर लें कि फेल मुजारे, जुमला फेलिया के पार्ट्स और फेल मुजारे को मनफी बनाना। अब हम चल रहे हैं फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने की तरफ, तो हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है वो है फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। जहन में ताज़ा कर लें कि जुमला इस्मिया में भी हमने ताकीद पैदा की हुई है और फेल माजी में भी हमने ताकीद पैदा की हुई है। कंपेरिज़न के लिए सिर्फ हम देखेंगे कि जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा होती थी, लाम या इन्ना के ज़रिए शुरू में लगाने से, या फिर इन्ना और लाम दोनों को इकट्ठा लगाने से। फेल माजी में ताकीद कैसे पैदा हुई थी, कद के लगाने से या लाम और कद लकद के लगाने से। अब हम देखेंगे कि फेल मुजारे में ताकीद कैसे पैदा होती है। तो फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए कभी कभी कद भी लगता है। कोई फेल मुजारे में ताकीदा पैदा करना चाहते हैं तो आप कद भी लगा सकते हैं। कुरान मजीद में चूंकि इसका इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैंने इसको जिक्र किया है। इसकी एग्जांपल मैं कुरान मजीद से दे देता हूँ आपको कि वह इस काला मूसा ली कौमी ही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से या कौमी लिमा तु जूननी, तो मुझे क्यों अजियत देते हो, वह कद तालमूना। देखे मुजारे है कि नहीं है, ऊना की आवाज़ माजी में नहीं आती मुजारे में आती है, ठीक है, और जमा का सीगा होता है। अब वो जमा गायब है या हाजिर है वो अलामत मुजारे से पता चलता है। ता अलामत मुजारे है तो तुम, ऐन लाम मीम रूट लेटर्स, इल्म जानना, तुम जानते हो। कद तालमूना, तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम खूब जानते हो कि अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। तो कुरान मजीद में कद का इस्तेमाल भी हुआ है, फेल मुजारे में ताकीद के लिए कद का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन फेल मुजारे में ताकीद के लिए जो उसलूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे कुरान मजीद भरा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नोट कर लें, फेल मुजारे में ताकीद के लिए फेल मुजारे के आखिर में, फेल मुजारे के आखिर में, शुरू में नहीं, फेल मुजारे के आखिर में। अभी तक हम शुरू में लगाते आए हैं, जुमला इस्मिया के शुरू में, माजी के शुरू में,
फेल मुजारे में ताकीद पैदा करनी है तो फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है, नूने ताकीद, यानी एक नून लाया जाता है ताकीद के लिए जिसका नाम है नूने ताकीद। लामे ताकीद ही पढ़ा हुआ है ना आपने, तो एक नून भी है जो ताकीद के लिए लाया जाता है और ये कहां आता है, फेल मुजारे के आखिर में। क्लियर, पूरा हम इसका इंशाल्लाह इस्तेमाल देखेंगे कैसे लगता है और कैसा दिखता है, सारी चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो फेल मुजारे में जोर या ताकीद पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नून ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है, और ये नून ताकीद जो है ना ये दो तरह का होता है, इसकी दो किस्में है। एक नून साकिन होता है और दूसरा नून मुशद्दद। ये दोनों नून ताकीद है, नून साकिन, नून मुशद्दद, शद वाला नून। नून साकिन जो है इसका नाम भी बता देता हूं आपको, इसको कहा जाता है नून खफीफा, खफीफ से खफीफा, हल्का वाला नून है ये। और दूसरे का नाम आप समझ ही गए होंगे कि शद वाले नून का नाम है नूने सकीला, ये शद वाला है। अब यहां तक पिक्चर रिवाइज कर लें कि फेल मुजारे में आपने जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे के आखिर में या तो नूने खफीफा लगता है या नूने सकीला लगता है, और ये दोनों नून जो है नूने ताकीद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की ताकीद में कोई फर्क है, एक नंबर दो, इनमें से ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है। तो पहले सवाल का जवाब कि इन दोनों की ताकीद में कोई फर्क नहीं है, दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है। जिस तरह जुमला इस्मिया में हमने शुरू में लाम और इन्ना के जरिए देखा था ना कि दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, तो फेल मुजारे के आखिर में आप नूने ताकीद लगाना चाहते हैं चाहे वो नूने खफीफा हो चाहे नूने सकीला हो, दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होगी। लेकिन नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, नूने खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है, इतना कम है कि पूरे कुरान में सिर्फ दो लफ्ज इस्तेमाल हुए नूने खफीफा के साथ। और मुझे पता है आपका जहन दो की तरफ ही जाएगा, हम सकीला को करें, दो को छोड़ दें, जिसका इस्तेमाल ज्यादा है उसको देखें। तो अब हम जो काम करेंगे वो ये करेंगे फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल। सकीला का इस्तेमाल जब आ जाएगा तो खफीफा फिर आपको मैं वैसे ही एंड पे हल्का सा बता दूंगा। तो नूने सकीला का इस्तेमाल फेल मुजारे के साथ करने के लिए हम फेल मुजारे की एक गर्दान लेते हैं, और गर्दान लेते हैं हमने जो पहला फेल बनाया था ना माजी में, कौन सा बनाया था याद है? माशाल्लाह, जहाबा। उसका फेल मुजारे बनता है यजहबू, जहाबा यजहबू। तो यजहबू इसकी गर्दान लेते हैं, यजहबू की गर्दान एक दफ़ा मैं कर देता हूँ आपके सामने। यजहबू यजहबानी यजहबूना, तजहबू तजहबानी यजहबना, तजहबू तजहबानी तजहबूना, तजहबीना तजहबानी तजहबना, अजहबू नजहबू। अब इस गर्दान में 14 सीख हैं ना, इन 14 सीखों को मैं 5 अकसाम में तकसीम करता हूँ। इन 14 सीखों को यूँ कहूँगा कि 5 लाइंस में लिखूंगा, 5 लाइंस में, सही। जो पहली लाइन है उसमें मैं कौन से लिखूंगा, दूसरी में कौन से लिखूंगा, तीसरी में कौन से लिखूंगा, चौथी में कौन से लिखूंगा और पांचवी में कौन से लिखूंगा, अब ये आपने देखना है। पहली लाइन में मैं वो सीखे लिखूंगा जिनकी तर्ज एक जैसी है। पहला सीखा क्या है? यजहबू है ना, तो यजहबू की तर्ज, यजहबू तजहबू तजहबू अजहबू नजहबू, इन पांचों की तर्ज एक जैसी है। तो पहली लाइन में ये पांचों लिख रहा हूं, तो एक तर्ज वाले जो पहला लफ्ज आया था उसकी तर्ज के मैंने पहली रो में लिख दी है। क्लियर, दूसरा लफ्ज क्या है फिर मुजारे का?
यज़बानी है ना, तो अब यज़बानी की तर्ज के अल्फाज लिख लूंगा, यज़बानी तज़बानी तज़बानी तज़बानी, ये चार हैं, ये चार मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूँ। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ एक एक लाइन में, इसलिए कि एक ही तर्ज वाले लफ्ज़ों में से एक के साथ मैं आपको इस्तेमाल बता दूंगा तो बाकी के साथ आप खुद समझ जाएंगे। हर एक के साथ मैं नूने सकीला का इस्तेमाल करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो यज़बानी और तीन दफ़ा तज़बानी, तो तज़बानी को मैं इस तरह लिख देता हूँ बजाय इसके कि मैं तीन दफ़ा तज़बानी लिखूँ, दो लाइनें मुकम्मल होगी। तीसरा सीगा है यज़बूना, यज़बूना, यज़बूना की तर्ज का तज़बूना, यज़बूना तज़बूना, ये दोनों एक जैसी तर्ज के हैं। जहाँ ये लैंग्वेज मैथमेटिकल है वहाँ पर ये म्यूजिकल भी यज़न रखेगा, यज़बूना तज़बूना, यज़बू यज़बानी यज़बूना, तज़बू हो गया, तज़बानी हो गया, यज़हबना, ये एक नया आया है। तो चौथी लाइन में हम यज़हबना वाले लिखते हैं, यज़हबना वाली तर्ज के कितने हैं, दो ही हैं, यज़हबना तज़हबना। लें जी कितने हो गए ये जरा गिने, तेरह हो गए, कुल कितने हैं, चौदह, एक ही बचा है, ठीक है, तज़हबीना, उसकी तर्ज का कोई नहीं है। लें जी यज़हबू की गर्दान को मैंने पांच रोज में लिख दिया आपके सामने। अब इनमें से एक एक के साथ मैं नूने सकीला का इस्तेमाल आपको दिखा दूंगा, यानी एक एक के साथ मुराद है कि हर एक में से एक एक के साथ। अब एक बात और नोट कर लें कि ये जो पांच रोज है ना, इनमें से जो रो नंबर दो है ये वाली और रो नंबर चार, कौन से हैं ये, मुसन्ना और जमा मोनस, मुसन्ना और जमा मोनस, इनके साथ कुरान में इस्तेमाल में मुझे नहीं मिला, ठीक है, लिहाजा इनको हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे एक तीन और पांच को। अपने काम को जरा आसान करते जाए ना, पहली रो के पहले लफ्ज के साथ मैं नूने सकीला का इस्तेमाल आपको बताने लगा हूं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। लफ्ज है जी हमारे पास यज़बु, इसके साथ ऐड क्या होना है, नूने सकीला, ठीक है, नूने सकीला। करना क्या आपने, आपने करना यह है, देखें इन सब सीहों के आखिर में क्या हरकत आ रही है, पेश आ रही है ना, आपने इस पेश हरकत को चेंज करना है जबर के साथ, क्या बन जाएगा, यज़बा, और साथ ही नून मुशद्दद लगा देना है। अब इस पे हरकत डालनी है, हरकत डालनी है ना, तो जबर ही डाल दें, आपका तैयार हो गया लफ्ज यज़हबन्ना, यज़हबन्ना, यज़हबन्ना। ये यज़हबन्ना बना तो ये तज़हबन्ना, ये तज़हबन्ना, ये अज़हबन्ना, ये नज़हबन्ना, ओके क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, मतलब बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। यज़हबूना और तज़हबूना की तरफ चलते हैं जी, देखें जी यज़हबूना प्लस नूने सकीला, इसकी हरकत बाद में डालेंगे, यज़हबूना प्लस नूने सकीला। अब हम ये करेंगे कि यहां से ना वाव और नून को निकाल देंगे, क्या बचेगा, यज़हबू बचा, यज़हबू बच गया ना, साथ नूने सकीला लगा देंगे जबर के साथ, क्या बन गया, यज़हबुन्ना, यज़हबुन्ना, वो क्या था, यज़हबन्ना, यानी नूने मुशद्दद से पहले जबर नजर आए तो फौरन आपका जहन चाहिए कि ये पहली रो का लफ्ज है, और नूने सकीला से पहले पेश नजर आए
तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊना वाला लफ्ज है। क्लियर हो गया? ये बन गया यजहा बुन्ना, तो ये क्या बन गया? तजहा बुन्ना। ओके, अब रह गया आखिरी तजहा बीना, इसके साथ देख लेते हैं। तजहा बीना प्लस नूने मुशद्दद इज इक्वल टू, वहां से वाओ नून निकाला था, यहां से या नून निकाल दें, क्या बचेगा? तजहबी, ठीक है, और नूने सकीला जबर के साथ लगा दें तो क्या बन जाएगा? तजहा बिन्ना। अगर आपको नूने सकीला से पहले जेर हरकत नजर आ रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पांचवीं रो का लफ्ज है। क्लियर? इनके साथ इस्तेमाल मैं ये कह दूं कि ना होने के बराबर है, लिहाजा इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। जो इस्तेमाल हुआ है कुरान में ज्यादा उसी पे फोकस करते हैं। किताब में इनके साथ भी लिखा हुआ है, वहां पर आप देख भी सकते हैं, सही, और एंड पे मैं जिक्र भी कर दूंगा। बहरहाल अब मैं मजीद एक बात और बताऊं कि यजहा बन्ना जोर पैदा हुआ फेल मुजारे में, एक चीज सिंगल जोर है ना, चाहे नूने खफीफा हो चाहे नूने सकीला हो, सिंगल जोर ही है ना। डबल जोर पैदा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जोर ही जोर है अरबी जुबान में, डबल जोर के लिए शुरू में एक लाम लगा दिया जाता है, बन जाएगा जी लयज़हा बन्ना, ये बन जाएगा लयज़हा बुन्ना, ये बन जाएगा लतज़हा बिन्ना। आपको ऐसे फेल मुजारे नजर आए ना कुरान मजीद में, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना जोर है। अब आते हैं तर्जुमे की तरफ, किसका तर्जुमा क्या होगा। पहली बात नोट करें कि जब भी फेल मुजारे के साथ नून सकीला लगता है ना, या नून ताकीद लगता है, तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं हो सकता। पहली अहम बात, फेल मुजारे के साथ जब भी नून ताकीद का इस्तेमाल होता है तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब हाल में नहीं कर सकते आप, तर्जुमा आपने सिर्फ मुस्तकबिल में करना है। सिंपल देखें जी, यजहबू है, इसके माना है वो जाता है या वो जाएगा, दोनों तर्जुमे मुमकिन है। आपने अभी लाम के बगैर किया यजहबन्ना, तो इसका तर्जुमा बनेगा कि वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। मैंने जरूर का लफ्ज ऐड किया उर्दू में और गा के साथ तर्जुमा किया, ये नहीं कहा कि वो जरूर जाता है, फॉलो कर लिया ना, वो जरूर जाएगा। लाम लगा दिया तो तर्जुमा बन जाएगा वो जरूर बिज जरूर जाएगा। और आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं तो यूं समझ लें कि लयज़हा बन्ना का तर्जुमा यूं हो सकता है उधर प्यो भी जाएगा, ये आसान है, ठीक है जी। अब तर्जुमे में आपको मिलता है या ये नहीं मिलता, ये बात की बात है। अब जरा इबलीस के अल्फाज पे गौर करते हैं, उसने जो चैलेंज किया, ठीक है, वो जरा देखिएगा। उसके लिए मैं आपको माजी का लफ्ज देता हूं, पीछे से चलते हैं ना, माजी से आपसे मुजारे बनवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद उस सीहे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल, फिर लाम का इस्तेमाल और फिर तर्जुमा करवाता हूँ आपसे। माजी है जी का आदा, इससे आपने मुजारे बनाना है, सारे स्टेप्स, ताकि आपको ना सारी बातें पिछली भी याद आ जाएं। अच्छा भाई कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, माशाल्लाह, वो बातें ज़रा याद हो जाएंगी ना। रूल लेटर्स कॉपी किए, शुरू में लगाई या अलामत मुजारे या लगाई, आखिरी हर्फ पे पेश, पहले पे जबर, जबर दूसरे को साकिन, साकिन। अब यहाँ पर हरकत माजी में जबर है ना, तो यहाँ पर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, टोटली आपने पूछना है, आपने बताना, ठीक है, और मैंने बताना है। तो मैं बताता हूँ जी, यहाँ पर पेश आएगी तो कादा यकउदू, ये माजी मुजारे बन गया। कादा यकउदू बैठने के माना में आता है, बैठना, ठीक है, कादा वो बैठा, यकउदू वो बैठता है या वो बैठेगा।
अच्छा ये यक उदू पहला है ना, इससे 13वां सीहा बनाए। अक उदू, माशाल्लाह एक्सीलेंट। अक उदू, अक उदू पांच लाइंस में से किस जगह पे आ रहा है? अक उदू पहली में, पहली में, ठीक है ना, पहली में। तो अब पहली वालों के साथ आपने नूने सकीला का इस्तेमाल करना है। तो पहली वालों के साथ नूने सकीला कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको कॉपी करेंगे आखिरी हर्फ को। हाँ जी, इसको जबर लगाएंगे, जबर लगाएंगे और नून लगाएंगे, नून शब्द वाला लगाएंगे जबर के साथ, ताकीद पैदा हो गई। शुरू में लाम लगवाएं। हाँ जी, ला। तो सीखा क्या बन गया? ला अकू दन्ना। अब ला अकू दन्ना का तर्जुमा क्या करेंगे? वो जरूर बिल जरूर बैठे। ला अकू दन्ना का तर्जुमा क्या करेंगे? मैं, अच्छा जी, मैं, हाँ जी, मैं जरूर जरूर बिल जरूर बैठूंगा। हाँ, अब ये खाली अल्फाज से बात नहीं होगी, ये समझना पड़ेगा। तो उसने जाते हुए ये कहा, काला फबिमा अगवैतनी। और ये भी अंडरस्टूड है, ये भी आपको एक बात बता दूं, जिसका मैंने आपको बताया था ना, माजी में जहां भी लकद आता है, लकद, उससे पहले कसम जो है वो लाजमी होती है, लकद कसम के बगैर नहीं आता। इसी तरह लाम ताकीद और नूने सकीला जो है ना, ये दोनों जब आते हैं ना तो कसम लाजमी होती है पहले, वो अंडरस्टूड है। तो कसम खाई उसने, लाम का इस्तेमाल किया, नूने मुशद्दद का इस्तेमाल किया और कहा कि फबिमा अग्वैतनी लअक्उदन्ना, मैं जरूर भी जरूर बैठूंगा। लहुम, तर्जुमा कर सकते हैं लहुम का? उनके लिए, जार मजरूर मुतालिक, मुतालिक फेल, कहां बैठूंगा? सवाल पैदा हो ना, कहां बैठूंगा, मफूल चाहिए। सिराता का, तेरे रास्ते पर, ठीक है, और रास्ता भी कौन सा? अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। काला फबिमा अग्वैतनी लअक्उदन्ना लहुम सिराता कल मुस्तकीम। उसने कहा, या अल्लाह, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, सब कुछ सही जा रहा था, मजे थे, इसे तूने पैदा किया, इसे तख्लीक किया और हुक्म दिया सजदा करने के लिए, सब ने किया, मैंने नहीं किया, मेरी एक्सप्लेनेशन हुई, ठीक है, मैंने अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश की, मुझे निकाला गया, तो मेरी गुमराही का या मेरे डी ट्रैक होने का सबब यह बना है। सही, तो मैं भी अब तुझे चैलेंज करता हूं कि ला अकूदन्ना लहुम सिरातक अल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए जरूर बिस जरूर इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। उसके बाद देखें आगे भी बस नहीं की उसने, सुम्मा फिर ल आती यन्ना, नूने मुशद्दद उससे पहले जबर, नूने मुशद्दद उससे पहले जबर, तो पहले में से अलिफ अना वाला, ल आती यन्ना हूं, फिर मैं उन पर आऊंगा, लाजमा ना आऊंगा, हो ही नहीं सकता ना आऊं, यानी ये मफहूम है। अन्नाहुम मिम बैनी अयदीहिम, उनके सामने से आऊंगा, यानी आऊंगा क्या मतलब, हमला करूंगा। सुम्मा लाती अन्नाहुम मिम बैनी अयदीहिम, सामने से, व मिन खल्फिहिम पीछे से, यानी सामने से आऊंगा, अगर उसने मेरा सामने से मुकाबला कर लिया, मेरा दाव गलत कर लिया, तो पीछे से आ जाऊंगा। व अन अयमानिहिम, पीछे से अगर गलत कर दिया उसने तो मैं दाईं तरफ से आ जाऊंगा। वह अन शमाइलिहिम, अगर दाईं तरफ से गलत कर दिया तो बाईं तरफ से आ जाऊंगा, यानी चारों तरफ से आऊंगा। और साथ कहा कि वला तजीदू, ला तजीदू, तू नहीं पाएगा, ला तजीदू अक्सर हम शाकिरीन, उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला। ये उसने चैलेंज किया इबलीस, अपने चैलेंज में किस दर्जे में कामयाब है इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर अल्फाज जो हैं ज़रा पहले उन पर गौर करें कि सिरातकल मुस्तकीम, तेरा सीधा रास्ता, यानी उसने क्या कहा कि मैं कहाँ बैठूँगा, तेरे सीधे रास्ते पर। ये सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता है? ये वो सीधा रास्ता है जिसकी मैं और आप हर नमाज की हर रकात में अल्लाह से दुआ करते हैं, करते हैं ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, अल्फाज आते हैं ना लाजमन। गोया आपको, मुझे, हम सबको सीधे रास्ते की जरूरत है, इसलिए दुआ कर रहे हैं ना अल्लाह से, क्या मैं सीधा रास्ता दिखा, मैं सीधे रास्ते पर चला। तो मुझे और आपको सीधा रास्ता चाहिए। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है ना, स्टार्ट में है ना, दिबाचा है उसका, ओपनिंग सूरह ऑफ कुरान। उसके बाद क्या है, सूरह बकरा शुरू होती है और फिर कहाँ तक जाता है कुरान, मिनल जन्नत इवन नास तक। तो एक तो लॉजिकली इसका जवाब ये हुआ कि हमने अल्लाह से सीधा रास्ता मांगा, अल्लाह ताला ने कहा ये लो सीधा रास्ता, अलिफ लाम मीम से लेके मिनल जन्नत इवन नास तक सीधा रास्ता है। इसके अलावा अल्लाह ने कुरान में जवाब भी दिया सूरह बनी इसराइल में, इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती ही अकवम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। अल्फाज में भी जवाब दे दिया, तो क्या रिजल्ट निकला जी, मुझे चाहिए सीधा रास्ता, कुरान सीधा रास्ता है, कुरान सीधा रास्ता है, और इस सीधे रास्ते पे कौन बैठा है और कैसे बैठा है, लाकुदन्ना के साथ। और बैठा ही नहीं है, बैठा रहे ना आपके कुरान एकेडमी के रास्ते में, ये जो सीधी सड़क आ रही है, रास्ते में कोई बड़ा सा कुत्ता बैठा हो तो पहले तो आप घबराएंगे उसे देख के, ठीक है, लेकिन जब गुजरेंगे और कुत्ता कुछ नहीं कह रहा, बैठा है बैठा रहे, आप गए आए गए आए, कुत्ता बैठा है, कोई फर्क पड़ रहा है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बैठा ही नहीं। उसने कहा लातीयन्ना हम, हमला भी करूंगा, आप जा रहे हैं सामने से हमला हुआ कुत्ते का, ठीक है, अच्छा अब कुत्ता हमला करे, आपको पता है माशाल्लाह मैंने बड़े बड़े बहादुर देखे हैं कि सब कुछ ही बदल जाता है बंदे की केमिस्ट्री बदल जाती है सारी, और कुत्ते के हमले के साथ। बहरहाल अब किसी तरह आप बच गए, पहुंच गए। अच्छा नेक्स्ट डे जब आप आ रहे होंगे ना, क्योंकि आपने सीधा रास्ता तो छोड़ना ही नहीं है, आपने आना है क्योंकि आपको चाहिए, ठीक है, वो रास्ता वही है ना सीधा, और कहां से जाएंगे, रास्ता भी वही है सीधा। अब दोबारा आएंगे तो अब सामने देख देख के आएंगे, अब देख देख के आप आ रहे हैं, सामने है नहीं, आप खैर से गुजरे, पीछे से आ गया, एकदम से पीछे से हमला हो गया, फिर आप बच के पहुंच गए। अब जब आप तीसरे दिन आएंगे, क्योंकि आपने आना है, अब आप दो जगह देखेंगे, सामने भी पीछे भी, कि यार यहां से तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पीछे से नहीं आ रहा, मुतमिन होके जाते हैं दाईं तरफ से आते हैं, साथ वाली गली से निकल आता है, ठीक है, फिर बच जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं खैरियत से। अब नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपकी तीन डायरेक्शंस होंगी, आगे पीछे दाएं, तीनों तरफ से नहीं है, आप पहुंचने लगते हैं तो बाईं तरफ से आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको चारों तरफ देखना होगा, चारों तरफ देखना होगा कि कहीं ना कहीं से वो हमला करेगा ही करेगा। जहन में रखिएगा कि कुरान सीधा रास्ता है और इस रास्ते पे शैतान बैठा है और वो आप पर हमले करता है, सामने से, पीछे से, दाई तरफ से, बाई तरफ से, चारों तरफ से आपको इस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है कि आप ना आए। अब देखें किस तरह उसने इंसान को इस सीधे रास्ते से रोका हुआ है। छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं, दुनिया की आबादी कितनी है हसीब इस वक्त, तकरीबन 7 अरब। 7 अरब में से इस सीधे रास्ते को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं ना, वही मानते हैं ना, तो मुसलमानों की तादाद कितनी है, 1.5 अरब। 7 अरब में से 1.5 अरब कितने परसेंट हुए, 20%। ओके जी,
80% जो बाकी हैं, जिसमें बड़े बड़े ज़हीन साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या मौजूद हैं, उन्हें ये सीधा रास्ता ही नहीं मिल रहा। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढ लिया, आसमानों में, पानियों में, कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं ढूंढ लिया उन्होंने, उन्हें यार ये सीधा रास्ता ही नहीं नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली उसने किसी तरह ट्रैप किया हुआ है ना। चले 80% जरा साइड पे करते, जो 20% है जो सीधे रास्ते को मानते हैं, अभी मैं मानने की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है कि ये सीधा रास्ता है, 20%। इस 20% में से कितने परसेंट लोग हैं जो इस सीधे रास्ते यानी कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सकते हैं? 20% में से सही तरीके से पढ़ना जिसे कहते हैं ना, ठीक है। अगर आपको कोई है गुमान, ठीक है, तो इधर बिठा देते हैं हाफिज साहब को, एक एक आयत सुनेंगे वो आपसे, अभी पता चल जाएगा। परसेंटेज कम होगी ना 20 में से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज कम होगी, होगी। अच्छा, अब जो पढ़ लेते हैं ना उन्हें साइड पे करें, और जो नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी बड़ी अच्छी पढ़ सकते हैं, ठीक है, चाइनीज भी पढ़ लेते हैं, फ्रेंच भी पढ़ लेते हैं, और जुबानें बड़ी पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ते हुए कहते हैं नहीं यार ये आइन नहीं निकलता, ठीक है, स्वाद नहीं निकलता, ठीक है, और अंग्रेजी में वो ठा ठा करते हैं, ठीक है ना, वो उनके बड़े सही निकलते हैं। चाइनीज जुबान ऐसे बोलते हैं, सच्ची मैंने देखा एक अपने साथ उर्दू बोलने वालों को चाइनीज बोलते हुए, मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार कैसे बोल रहा है सच्ची, मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा था उसमें से। बहरहाल अच्छा, अब मुझे बताएं सीधा रास्ता मानते हुए उसे सही पढ़ना ही नहीं आता उन्हें, क्यों? आखिर इसने कुछ किया हुआ है ना, कुछ किया हुआ है ना, कंफ्यूज ही कर सकता है ना वो, आपको हाथ से पकड़ के नहीं रोकेगा कभी भी, आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसने, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है कोई ना कोई। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज निकली थी जो पढ़ सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो पढ़ सकते हैं उनमें से मुझे बताएं कितने हैं, कितने हैं जो बाकायदा पढ़ते हैं, एक स्टेप जरा ऊपर हैं, जो बाकायदा पढ़ते हैं डेली। अभी रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत पढ़ा जाएगा, ठीक है, रमज़ान पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई फौत हो जाता तब पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कब पढ़ते हैं? मैं अपना जायजा लेता हूँ, आप अपना जायजा लें, कुरान कितना पढ़ते हैं? जो सही पढ़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, परसेंटेज कम होगी, और जो नहीं पढ़ते एक सिलेबस के तहत वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार ही है ना। अच्छा, जो पढ़ते हैं बाकायदा एक सिलेबस के तहत उनकी बात कर लेते हैं, उनमें से कितने हैं जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं और बाकायदा पढ़ते हैं, उनमें से कितने हैं जो उसको समझते भी हैं, जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रही होती है उन्हें? ग्राफ एकदम से नीचे गया था, बड़ा अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने में नंबर वन पोजीशन भी हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ एक समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं। दुनिया की वाहिद किताब जिसे बगैर सोचे समझे पढ़ा जाता है, अजर मिलेगा कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अजर है, एक हर्फ के बदले में 10 ने किया, अजर मिलेगा। लेकिन समझ के पढ़ना, ग्राफ एकदम से नीचे आया, जो नहीं समझ के पढ़ते कन्फ्यूज ही है ना, कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है उसने। अच्छा, जो समझ के पढ़ते हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनमें से कितने हैं जो कुरान को सही पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उस पर अमल करते हैं? ग्राफ ठक एकदम से नीचे गया। जो अमल नहीं कर रहे कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, जो अमल कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगियों में कुरान नज़र आता है उनकी बात कर रहे हैं। कितने हैं उनमें से जो इस कुरान को आगे भी पहुंचा रहे हैं, जो दूसरों तक इसका पैगाम, इसको पढ़ाना, इसको सिखाने का काम कर रहे हैं?
20% से बात चली थी, कहां पर आ गई होगी? सही है ना? अब देखें उसका जो चैलेंज था, कैसा चैलेंज था। قال فبما غويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين। सामने से आके आपको इस रास्ते से हटाएगा, ठीक है ना? क्यों जी? माशाल्लाह हमारी क्लास में हर तरह के लोग हैं, जो जरा बुजुर्ग है वो जब आ रहे होते हैं, चलो हूँ ख्याल आया है, सारी उम्र गुजार दी। मैं बता रहा हूँ उसे कन्फ्यूजन क्रिएट करना, उसका सारी जिंदगी गुजारती, अब सीखना है, अब कहाँ सीखा जाएगा, अब तो वैसे ही याद ही नहीं रहता, हाफजा ही कमज़ोर हो गया। दवाइयों के नाम आपको सारे याद हैं अपने, कितने मुश्किल मुश्किल नाम है, मुजाफ मुजाफिल याद नहीं होता, यकीन कर। मतलब बुजुर्गों को कोई ना कोई बीमारी है ना, शुगर है, ब्लड प्रेशर, और ऐसी मुश्किल मुश्किल नाम है दवाइयों के, लेकिन ऐ याद है पूरे, सही। मफूल भी जमीर इस मुजाहिर, वो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहते, क्या करें, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। लेकिन आपने उसका दाव गलत किया, आगे से जो आया था आपको रोक गया ना, किधर, आपने कहा चल, पीछे से आ गया। पीछे से हमला करता है ज्यादातर नौजवानों पे, नौजवानों पे। यार मुस्तकबिल को देखो, अभी तो तुम्हारे आगे जिंदगी पड़ी है, डॉक्टर बनने आए हो तुम और अरबी सीखने जा रहे हो, घर वालों ने तुम्हें इसलिए भेजा है, ये तो तुम ज्यादती कर रहे हो उनके साथ, खयानत हो रही है, ठीक है ना? तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, तुम यहां मौलवी बनने लग गए, ये पीछे से हमला होगा उसका, पीछे से जरूरी जरूरी काम, और बड़ों को भी काम दिलाते, यार अभी और भी बड़े काम है, बच्चे सेट हो जाए, बेटी उनकी शादी हो जाए, एक दफा फारिग हो जाओ फिर मैं सीखूंगा, फिर जब फारिग होता है तो बस फारिग ही हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसका पीछे से भी दाव गलत कर दिया ना, तो दाई तरफ से आएगा, दाई तरफ है अच्छी साइड, नेकियों वाली साइड, आपकी नेकियां आपको गिनवाएगा। माशाल्लाह आप, माशाल्लाह क्या बात है, आपसे बढ़ के तो नेक है ही नहीं कोई, माशाल्लाह। ठीक है, आपको कहेगा जी आप माशाल्लाह नमाजी हैं, ठीक, कल आपने पूरी तीन नमाजें पढ़ी, पूरी तीन नमाजें, पूरी तीन नमाजें, क्योंकि मेरे दोस्त ने, मैंने बताया था ना आपको, वो कहते हैं जिस दिन मैं पांच पढ़ लूँ ना, तो मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि वही कब आएगी। तो पूरी तीन नमाजें आपने पढ़ी, माशाल्लाह नमाजी हैं आप, और अभी आपने वो छः महीने पहले वो फलां की दादी फौत हुई थी, कुरान पढ़ा था ना, ठीक है, जिक्र अज़कार माशाल्लाह आप करते रहते हैं, आपकी राइट साइड अच्छी साइड वो आपको हाईलाइट करेगा, आपको लोड़ ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने उसका दाव गलत कर दिया तो लेफ्ट साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। अच्छा जा रहे हो पढ़ने, कौन पढ़ा रहा है जी? कोई नाम लिखा जी, आमिर सुहेल, आमिर सुहेल है कि ना होया, ठीक है, यह तो पढ़ाने वाला का नाम ही नहीं है, यह तो ना ही पढ़ाने वाला नहीं है, सही है ना? कोई हजरत मुफ्ती मौलाना, ठीक है, कोई ऐसा कोई टैग टूक लगा ही नहीं हुआ, चलो ये ना लगा हो, कोई डॉक्टर लगा होता साथ, डॉक्टर आमिर सुहेल कोई पता चलता है यार, कोई इंजीनियर आमिर सुहेल, कोई प्रोफेसर आमिर सुहेल, कुछ भी नहीं, आमिर सुहेल है कि ना आया, तो कहेंगे नहीं यार नामों में कुछ नहीं होता, देखते हैं जाके, फिर भी छोड़ेगा नहीं। अच्छा मसला केड़ा होना था, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या है, वो तो गुमराह कर देंगे तुम्हें, तुम्हारे अकायद सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। क्लास के बाद मुझे बताइएगा कितने लोग गुमराह हुए।
अब ये उसका चैलेंज और उसका आप देखें और इन अल्फाज को ज़रा समझने की कोशिश करें कि काला फ़बिमा अग़वैतनी लअकूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. अब जोड़ें सारी कहानी, मुझे आपको सबको सीधा रास्ता चाहिए, कुरान सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पर बैठा है इब्लीस चारों तरफ से आपको घेरने के चक्कर में. पहले उसे परवाह नहीं थी आपकी, जैसे आप इस रास्ते पर आए एक्टिव हो गया, उसे पता है कि कुरान सीख गया ना तो गड़बड़ हो जानी है. ऐसे अगर कुरान समझ में आ गया तो मसला ख़राब हो जाना है. ऐसे रोको आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से. अच्छा अब हल हल क्या है, हल क्या है? अब तय तो है, हमने इसी सीधे रास्ते को अख्तियार करना है, इसी पे आना है और उससे बचना भी है, तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए ना, प्रोटेक्शन उसके वारों से बचने के लिए. तो सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन किसकी है? अल्लाह ताला की. लिहाजा अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सिहे में खिताब करके फरमा दिया, इज़ा करातल कुराना फस्तईज़ बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम. और आपकी विसातत से हम सबको हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना देख लिया मैंने, अभी एक एग्जांपल आपके सामने रखी है, ठीक है, लेकिन इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आपको मिलेंगी. एक एग्जांपल और सामने रखकर कोशिश करता हूँ बात को ख़त्म करने की कि यनसुरु फेल मुजारे का सीखा है और पहली रो में से है ना, पहली रो में से है ना, इसके साथ मैंने नून सकीला का इस्तेमाल करना है जी. जमीत क्या करूँगा? ज़बर लगाकर नून मुशद्दद ज़बर वाला और शुरू में लाम. लयनसुरन्ना क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि हो ही नहीं सकता कि वो मदद ना करे. इसका मतलब ये है लयनसुरन्ना, ये हो ही नहीं सकता कि वो मदद ना करे. ये मैं दूसरे सेंस में मीनिंग रख रहा हूँ, यानी वो ज़रूर भी ज़रूर मदद करेगा. वो कौन है? अभी यनसुरु के अंदर ही है ना, मैं उसे बाहर लेके आ रहा हूँ. लयनसुरन्नल्लाहु अल्लाह, अल्लाह जरूर भी जरूर लाजिमन मदद करेगा. किसकी? उसकी जो यनसुरुहु, जो उसकी मदद करेगा. किसकी? अल्लाह की. अल्लाह को तो मदद की जरूरत ही नहीं है. अल्लाह को मदद की जरूरत है जी? नहीं ना. लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह लाजिमन उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा. तो फिर यहां पर अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? उस वक्त जब आयत नाज़िल हुई तो उस वक्त डेफिनेटली अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लम की मदद थी, सही है. और आज हम कहेंगे अल्लाह के दीन की मदद. अल्लाह के दीन की मदद क्या है? वही कि इसको आगे पहुंचाना है, बेसिक स्टेप आगे तो पहुंचाएं. हमारा जब ईमान है खत्म नबूवत पर तो उसका क्या मतलब है? कोई नबी आना है? कोई नबी नहीं आना ना. तो क्यामत तक के इंसानों तक ये पैगाम किसने पहुंचाना है? हमने पहुंचाना है ना. तो हम कब पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? कुरान दूसरों तक पहुंचाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है. हम सीखेंगे तो सिखाएंगे. और इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग करार दिया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा. और अल्लाह ने इंश्योर कर दिया कि लयनसुरन्नल्लाहु मन यनसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उसकी ज़रूर मदद करेगा. कल एक साहिब आए मुझसे मिलने के लिए, फ्रांस से आए थे वो. उन्होंने जो हालात वहाँ के मुझे बताए और मतलब इस हवाले से, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह का हम पाकिस्तान में रहते हैं. उसमें वो एक बात कर रहे थे, एक छोटी सी, उन्होंने कहा कि
वहाँ पर फ्रेंच उनका बॉस था, उससे कह रहे हैं अक्सर बात होती रहती, तो उसने एक बात मुझे कही है कि यार तुम लोगों की प्रोडक्ट तो बड़ी ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है तुम्हारी, लेकिन मार्केटिंग ज़ीरो है, प्रोडक्ट तुम बेहतरीन लेके बैठे हो, कोई मार्केटिंग नहीं है, हमारे पास क्या है आपको पता ही नहीं है, लेकिन हमारा रोल क्या है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ने वादा कर दिया कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। ये सारे शिकवे शिकायतें जो हम करते रहते हैं ना जी, चेंज नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रही, चेंज नहीं आएगी, ठीक है, चेंज उसी वक्त आएगी जब हम भी, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अभी फरिश्ते आ सकते हैं, लेकिन फ़ज़ाए बद्र तो पैदा हो। नूने सकीला, यही सकीला जो है शद की जगह साकिन लगा दें तो खफीवा बन जाएगा, लयज़हबन लयज़हबुन लतज़हबिन, और नूने खफीवा मज़े की बात कि दो नंबर और चार नंबर के साथ इस्तेमाल ही नहीं होता, वो तो सकीला मैंने बताया ना कि कुरान में मुझे एग्जांपल नहीं नज़र आई, लेकिन खफीवा तो दो और चार के साथ इस्तेमाल ही नहीं होता, आउट। हाँ सकीला इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन कुरान में मेरे सामने एग्जांपल्स नहीं आई, मेरी कोताही हो सकती है, लेकिन किताब में इन सीहों के साथ भी आप नून सकीला का इस्तेमाल देख सकते हैं। सिर्फ आपके जहन से बोझ कम करने के लिए मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, बस जो इस्तेमाल है कुरान मजीद में वहाँ तक आपको पक्का रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला कल फेल मुजारे में मज़ीद नई नई चीज़ें देखेंगे, तो मुख्तसरन फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद का इस्तेमाल किया जाता है। नूने ताकीद नूने साकिन भी होता है और नूने मुशद्दद भी होता है। नूने साकिन नूने खफीफा कहलाता है, नूने मुशद्दद नूने सकीला कहलाता है, दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नूने सकीला का है। फेल मुजारे की किसी भी गर्दान को आप पाँच रोज़ में तकसीम कर लें या पाँच कॉलम्स में ले आएँ, ये कॉलम्स बनाने हैं आपने तर्ज की बुनियाद पर, एक तर्ज वाले सीखे एक एक कॉलम में रख लेने हैं, ठीक है, जो पहली तर्ज वाले हैं जिनके आखिर में पेश आ रही है पेश को ज़बर से चेंज करके नून मुशद्दद लगा दें, और जो ऊना वाले हैं उनके ऊना को हटाकर नून मुशद्दद लगा दें, और जो ईना वाला है एक ही उसके ईना को हटा के नून मुशद्दद लगा दें। इतनी सी बात थी, बात इतनी सी होती है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी जो है वो कहानी बनानी पड़ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। नूने सकीला के इस्तेमाल के साथ फेल मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा, हाल में नहीं होगा, ये अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।